एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे, उन्हीं में से एक थी मोनी चिड़िया। मोनी चिड़िया की एक बच्ची थी जिसका नाम चुनमुन चिड़िया था। जंगल में बहुत जल्द बारिश आने वाली थी जिसके कारण सभी पंछी परेशान थे। मोनी चिड़िया का घर फटा हुआ था जिससे वह सबसे ज़्यादा परेशान थी। अरे मोनी चिड़िया, तुमको पता है ना, हमारे पूर्वजों ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस बार की बरसात बहुत खतरनाक होने वाली है। इस बार बहुत ज्यादा बारिश होगी और पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। तुम्हारा तो घर भी ठीक नहीं है, उसके लिए तुम्हें नया घर बनाना होगा। तुमने इस बारे में क्या सोच रखा है, इस बार की बरसात कैसे गुजारनी है? वही तो परेशानी है कलवा भैया, इस बार की बरसात बहुत खतरनाक होने वाली है। मेरा घर भी फटा हुआ है और मेरी बेटी भी मेरे साथ में है। इस बार बरसात बहुत परेशानी से निकलने वाली है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप थोड़ी मेरी मदद कर दें। मैं चाहती हूँ कलवा भैया, आप मेरे साथ मेरा घर बनाने में मदद करें ताकि हम लोग बरसात आसानी से काट सकें। मुझे माफ़ कर दो मोनी चिड़िया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरा यह जो घर है यह लकड़ी का है, तुम तो देख ही रही हो। मुझे इस घर पे पेंट करना है ताकि जब बरसात हो तो इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। अगर मैं इसे पेंट नहीं करूँगा और बारिश होगी तो ये मेरा घर लकड़ी का है और लकड़ी खाने के लिए बहुत से कीड़े मकोड़े आ जाएंगे और मेरा घर खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे सबसे पहले अपने घर को पेंट करना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मोनी चिड़िया, तुम सुंदरी कबूतर के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अरे क्या बात है मोनी चिड़िया, आज तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? घर पे सब ठीक तो है ना? और चुनमुनी चिड़िया कैसी है? सब ठीक है बहन, चुनमुनी चिड़िया भी ठीक है, अभी सोई हुई है। मैं यहाँ पे एक काम के लिए आई थी, बरसात आने वाली है, तुम्हें तो पता है मेरा घर फटा हुआ है, क्या तुम मेरा घर बनाने में मदद करोगी? मुझे माफ़ करना मोनी चिड़िया, पर मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर मैं तुम्हारा घर बनाने में लगूंगी तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी और फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर मोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और अपने घर के लिए वापस निकल जाती है। घर पहुंचने पर उसकी बेटी उससे पूछती है, अरे माँ क्या हुआ, अब तो मदद मांगने के लिए गई थी कि घर बनाने में कोई मदद करेगा, कोई नहीं आया क्या? नहीं बेटी, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, अब हमें ही अपना घर बनाना होगा। अरे माँ तुम चिंता मत करो, बारिश को आने में अभी कुछ समय है, हम दोनों चाहेंगे तो मिलकर घर बना सकते हैं। हाँ बेटी, और कोई रास्ता भी नहीं है, हमें खुद ही अपना घर बनाना होगा। इस तरह दोनों माँ बेटे मिलकर घर बनाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर में घर बनके तैयार हो जाता है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मोनी चिड़िया और उसकी बेटी तुरंत घर के अंदर चले जाते हैं। बहुत समय तक बारिश होती रहती है, तभी अचानक जंगल के कुछ पक्षी मोनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। तब मोनी चिड़िया पूछती है, अरे भाइयों क्या हुआ, आप लोग मेरे घर पे, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मोनी चिड़िया, बारिश और तूफान इतनी तेजी में चल रहा है कि हम सभी लोगों का घर टूट गया है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम हमारी कुछ मदद करो। हमें पता है हम सब में से किसी ने भी तुम्हारी नई घर बनाने में मदद नहीं की, इसलिए तुम नाराज होगी, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हमें माफ कर दो मोनी चिड़िया, आगे से हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं नहीं कलवा भैया, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, मैं तो आप लोगों से जरा भी नाराज नहीं हूँ। आप लोग जब तक चाहे मेरे घर में रह सकते हैं, बारिश शांत हो जाने पे हम लोग मिलके तुम्हारी फिर से घर बनाएंगे। मोनी चिड़िया हमें माफ कर दो, तुम दिल की बहुत अच्छी हो,
हमने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो। अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो हम लोग कहाँ जाते।